हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हैमर हाउस में स्वागत है। और हम आज आपको आम का स्वादिष्ट मुरब्बा बताते हैं। हमें कच्चे आम लेना है और इनके छिलकों को उतार लेना है। कच्चे आम के हम इनको ऐसे काट लेते हैं इस पीस में, इसकी गुठलीदार हम इसको काटेंगे। मैंने इसे साफ़ पानी से धुल लिया है। अब देखिए, ये हमने हल्दी ले ली है और लाल मिर्च है और ये कलौंजी है और ये नमक और हमने जीरा 2 चम्मच लिया है और यहाँ पे धनिया है पिसी। अब हम गैस को ऑन कर देंगे। उसमें हम अपनी कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई रखने के बाद हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल हमने 2 चम्मच ऐड किया बड़ा। इसमें जीरा डालें, अब इसमें कलौंजी डालेंगे, इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारा जीरा और कलौंजी अच्छी तरीके से भून जाए। अब इसमें हम आम डालेंगे कच्चे आम और इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे ऐसे ताकि ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमें इसको धीरे धीरे ऐसे चलाना है। और इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी जो हम पहले डालते हैं, मिर्च ऐड करेंगे, लाल मिर्च है और ये हमारी धनिया है थोड़ी सी। इसको अच्छे से मिलाएंगे, यही चलाते रहेंगे। इसको हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। इसको लोगों को पता होगा कि ये हमारा आम होता है जो कच्चा आम, ये विटामिन सी का काम करता है और हम इससे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। हम देखिए, इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। पानी हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है। देखिए, हमने पानी ऐड कर दिया है। इसको ऐसे चला के गैस का फ्लेम बढ़ाएंगे, इससे हमारी सब्जी अच्छी तरीके से पक जाए। और ये देखिए, हमने चीनी ली है 1 कटोरी, क्योंकि आम बहुत खट्टे हैं, खट्टे आम हमें ज़्यादा ही डालने चाहिए। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ लिया है, गुड़ को भी हम डालेंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाएंगे तो ये हमारी बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। अब इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे। इसको चलाकर हमें ढक के रख देना है। इसको हम ढक देंगे ताकि ये हमारी सब्जी जल्दी से पक जाए। देर बाद देखिए आप कि हमारी ये रेसिपी थोड़ी गाढ़ी हो गई, पक गई है। और इसको सर्व करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है देखने। ये देखिए, हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। ये हमारा मुरब्बा बनके तैयार हो गया। अगर हमारा मुरब्बा आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब